नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राज्य के कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सीधी सट बात शुरू करते हैं। 2022 ये एक एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि कृषि उपज को आपको दुगुना करना है और कृषकों की जो आय है उसको दुगुना करना है। राजस्थान, जहाँ पर कहा जाता है कि अकाल और राजस्थान का चोली दामन का साथ, वहाँ पर आप किस तरह से इसको करेंगे? कभी बारिश नहीं होती, कभी होती तो ज़्यादा हो जाती। देखिए, राजस्थान प्रदेश में लगभग 61% शुष्क और अर्ध शुष्क हमारा क्षेत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जब 75वीं वर्षगांठ मन रही होगी, उस वक्त 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने का एक लक्ष्य दिया गया है। चूँकि राजस्थान में विषम परिस्थितियाँ जरूर है, लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक सोच लेके, एक विजन लेके राजस्थान के गांव, गरीब और किसान का कैसे हम लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी नवाचार हुए। यदि आप ये देखेंगे कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी होने का जहाँ तक सवाल है, किसान को अपनी लागत में, जो बुआई में लागत आती है, हार्वेस्ट में आती है, बुआई में आती है, उसको कम करना पड़ेगा। एक अच्छी क्वालिटी के बीज हमको देने पड़ेंगे जिसमें हमारा उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़े। इसके साथ में हमको जैविक खेती की ओर किसान को डाइवर्ट करना पड़ेगा। चौथा, हमारा फसलों का विविधीकरण हमको करना पड़ेगा। और पांचवा काम है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हम लोग ज्यादा इंट्रोड्यूस करके किसान के खेत तक लेके जाए। साथ में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन का जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, ये सारे सेक्टर को साथ में लेके किसान की हालत को सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपने इतनी सब चीज़ें बताई कि आप इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, इसको सबका एकीकरण करेंगे। 2017 निकल गया, आपके पास वक्त बचता है 4 साल का, ये कैसे संभव होगा? देखिए, राजस्थान की कृषि ने हमेशा से, जब पिछले टर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में एक विजन लेके हम लोग आए, और विजन में ये तय किया था कि इसराइल, नीदरलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, इनका अध्ययन करने के पश्चात नवाचार के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आज नवाचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान पूरे विश्व में, अगर ओलिव प्लांटेशन, ओलिव रिफाइनरी और ओलिव ग्रीन टी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लॉन्चिंग किया है। आप देखिए, कई कंट्रीज के द्वारा, सबसे पहले हमारा यूके, यूएसए, नीदरलैंड और सिंगापुर, वहां से डिमांड आ रही है। इन कंट्रीज से हमारी ओलिव ग्रीन टी की डिमांड इसलिए आई है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाला जो हमारा ओलिव है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा मिली है, एपिजेनिन, लियोटिलिन, कैपिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, ये 12 प्रकार के कैंसर को प्रिवेंट भी करते हैं और थेरेपी भी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में एक एमओयू हमारा हुआ है। एमओयू में ये तय हुआ कि 51 रुपये किलो के हिसाब से किसान अपने ओलिव के पत्ते बेचेगा, जबकि बाजरा और मक्का, गेहूँ अभी 1700 रुपये से 1200 रुपये तक की क्विंटल की रेट से, 1200 से 1500-1700 रुपये क्विंटल बिकता है। अब मैं समझता हूँ 3 टाइम जंप हो गया। यदि गेहूँ 1750 MSP है और यदि उसकी पत्तियां हमको जो मिलती है वो 51 रुपये किलो मिलती है, तो इस प्रकार की जो नवाचार, वो निश्चित रूप से राजस्थान के किसान के लिए, कृषि के लिए एक वरदान बन के आएगा। लेकिन एक डर है लोगों को कि परंपरागत खेती, जब उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी जो लाभ है वो खत्म हो रहा है, खेती को घाटे का सौदा माने जाने लगा है, तब आप परंपरागत में जब वो फेल हो रहे हैं, परंपरागत को ठीक नहीं मान रहे, तो आपको लगता है कि इधर शिफ्ट होंगे और उस पर सक्सेस मिल जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ परंपरागत खेती का सवाल है, हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स का सवाल है। एग्रीकल्चर को नया सब्जेक्ट नहीं है, एग्री और कल्चर दो शब्दों से मिलकर एग्रीकल्चर बनता है, यानी हमारी सभ्यता को हम स्वीकार करते हैं। तो हमारी सभ्यता, हमारी परंपरागत खेती जो है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम करेंगे, लेकिन अभी जिस प्रकार से पड़ोसी को देख के पड़ोसी जो फसल बो रहा है, इस पैटर्न को बदलने की जरूरत होगी। अब हम ये कहना चाहेंगे, फार्मर से निवेदन करेंगे कि आपकी जमीन का 1/3 हिस्सा परंपरागत खेती आप करिए,
1/3 हिस्सा आप हॉर्टिकल्चर में जाइए और 1/3 है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी के लिए, जैपनीज के लिए, ये मधुमक्खी पालन के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग जब हम कराएंगे तो ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि का इन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि संरक्षित खेती का जो टाइम आया है, प्रोटेक्टिव फार्मिंग, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, न प्राकृतिक आपदा से तकलीफ होती है, बेमौसम सब्जियां पैदा होती है, फल फूल पैदा होते हैं, तो अच्छी कीमत किसान को मिलती है। तो हमारा जो फोकस है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को आगे बढ़ाते हुए, ये बिल्कुल आप सही कर रहे हो, कृषि घाटे का सौदा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान ने, पूरे देश को कहना चाहूँगा, नाउ टाइम इज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का पढ़ने वाला स्टूडेंट अब नौकरी पाने के लिए काम नहीं करेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। और इसी प्रयास को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश करके राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन योजना हम लोगों ने शुरू की, और इसके पीछे हमारी एक ही मंशा है कि मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से चलाई जाने वाली इस योजना में कोई भी किसान अपने खेत पर छोटे छोटे उत्पादन करके, छोटी जमीन के जो किसान हैं, यदि वो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन का काम, मार्केटिंग का काम अपने खेत पर करेंगे जी, तो हम लोगों ने सुविधा करके कह दिया कि नो नीड टू कन्वर्जन, अब लैंड के कन्वर्जन की उनको जरूरत नहीं होगी। और 40 लाख का यदि प्रोजेक्ट होगा तो 20 लाख रुपए तक हम अनुदान उन बच्चों को देंगे जो किसान के पढ़ लिख कर बेरोजगार बन के जो घर बैठे हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा और उनका जब वैल्यू एडिशन होगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ये तब संभव होगा ना जब पानी होगा, जमीन में तो पानी नहीं है। देखिए, राजस्थान में धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, पूरे देश में पहली बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन महाअभियान चलाया। उस अभियान के पीछे हमारी एक ही मंशा थी कि जहाँ खेत का पानी खेत में रहे, नाड़े का पानी नाड़े में रहे, नाले का पानी नाले में रहे, तालाब का पानी तालाब में रहे, जितनी हमारी बावड़ियाँ हैं या हमारे परंपरागत जितने स्रोत हैं उनको हम ठीक करें। और वास्तव में जो दो चरण पूरे किए, जल संरक्षण पे आप जोर दे रहे हैं, इस पर बात जारी रहेगी, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगी। श्री प्रभुलाल सैनी के साथ सीधी सट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ सीधी सट बातचीत के लिए मौजूद हैं राजस्थान के कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी। सैनी जी, आप कह रहे थे जो मुख्यमंत्री जी ने योजना शुरू की जल संरक्षण को लेकर, जल स्वावलंबन को लेकर, उसकी वजह से ये चीज़ें, अब जो पानी का संकट है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब टाइम टेकिंग है। आप 2017 के आखिरी में 2022 का एक एजेंडा लेकर के बैठे हैं। आप जिस तरह की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं वो पानी के बिना हो नहीं सकती, और पानी के संरक्षण में एक वक्त लगेगा क्योंकि इतना पानी का उपयोग हो चुका, रीति हो चुकी ज़मीन कि उसको भरने में तो वक्त लगेगा। तो आप इतने कैसे उम्मीद पाल करके बैठे हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा? हथेली में सरसों उगाने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जब बारिश होती है तो 200 mm से लेके 1200 mm तक राजस्थान में हर एग्रीकल्चर खंड के आधार पर बारिश होती है। जिन क्षेत्रों में कोटा संभाग और इन क्षेत्रों की यदि हम बात करेंगे तो जो बारिश होती है वो बारिश का सारा पानी नदियों के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे समुद्र में चला जाता है। इसी विजन को हाथ में लगते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्वन सिंचाई और पेयजल योजना एक वृहद योजना बनाई, और ये बिल्कुल सही है कि 2022 तक हमारा ये प्रयास होगा कि हम नदियों को नदियों से जोड़ने वाली हमारी जो वार्षिक कार्य योजना है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बजट घोषणाएं की थी। आप ये देखेंगे विशलपुर है जो एक जयपुर के लिए भी, अजमेर के लिए भी, जिलों के लिए, साथ नागौर के लिए भी, टोंक जिले के लिए भी एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। 38 TMC पानी वहाँ पर उपलब्ध है, और मैं समझता हूँ कि एक बार यदि 15.5 के लगभग वो भर जाता है तो निश्चित रूप से 2 साल तक जयपुर और अजमेर के लिए पानी की कोई कमी नहीं रहती, तीन जिलों में। इसलिए हमारा ये प्रयास होगा कि हम ब्रह्मणी नदी को जोड़ के मुख्यमंत्री जी ने उसको बनास में डालने की एक कार्य योजना हमारी DPR बनी है, उस पर काम हो रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ईसरदा बांध जो बन रहा है, खासतौर से दौसा जिले के लिए जहाँ पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, दौसा है, सवाईमाधोपुर है, इन जिलों को भी इस योजना के अंतर्गत हम पानी के ऑप्टिमम यूज कैसे करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप,
और पडरोप मोरक्रोप तभी सिद्धांत हम लोग इम्प्लीमेंट उसको कर पाएंगे जब पानी का समुचित उपयोग हम लोग करेंगे। पानी का समुचित प्रयोग होगा तो इसलिए हम लोगों ने माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम करके पूरे राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई योजना को चला के किसानों को हम लोग सहायता इसमें हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत भी दे रहे हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना भी एक 17 जिलों में 17 क्लस्टर बना के हम लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पानी का जल संरक्षण को बचाते हुए किसान अपने खेत में ले जाके उसका एक एक बूंद का उपयोग करके अधिक उत्पादन करे, एक प्रयास है। एक बात बताइए, जो योजना एक सरकार बनाती क्या अगली सरकार उसको आगे बढ़ाती? क्योंकि उसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। 2018 में राजस्थान में आपको चुनाव में जाना है, 2019 में केंद्र सरकार को चुनाव में जाना है, और हम बात कर रहे हैं 2022 की। देखिए, मेरा ये मानना है सरकारें आती है सरकारें जाती है, और भारतीय जनता पार्टी कभी इस एजेंडे पे भी काम नहीं करती है कि सरकार आएगी जाएगी। लेकिन हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा विजन ये है हमारा, क्योंकि किसान ना कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है। अगर स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए। सरकार कोई भी हो, सब सरकारों की एक ही मंशा होती है कि वो कल्याणकारी योजनाएं ला के किसान की आर्थिक दृष्टि से कैसे उसको मजबूत करें। इसलिए मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता। मेरा ये कहना कि राजस्थान की हमारी सरकार हमेशा ये कोशिश करती है, मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि चाहे स्वराज संकल्प की घोषणाएं हो, चाहे वो बजट घोषणाएं हो, चाहे विभाग की घोषणाएं हो, हम लोग किसानों की बहबूदी के लिए सभी योजनाओं को समय पर रहते काम करके इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं हम लोग। उसको राजनीतिक दृष्टि से, वोटों की दृष्टि से हम नहीं देखते। आपने कहा कि किसान न बीजेपी का होता है न कांग्रेस का होता है, तो फिर किसानों की कर्ज माफी का जो मामला है वो राजनीति में क्यों अटक जाता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में MS स्वामीनाथन, जो ख्यातनाम कृषि विशेषज्ञ और राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी, भले ही कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से कर्ज माफी पे चर्चा होती होगी, लेकिन धन्यवाद दूंगा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, एक विजन लेके हम लोगों ने कोशिश की, हाई पावर कमेटी का गठन किया। अगर हमें पॉलिटिकली इसको करना होता तो हम लोगों ने तो उस अध्ययन दल में जो केरल गया हमारा, उसमें हम लोगों ने तो जो किसान नेता अमरा राम थे, कम्युनिस्ट के थे, उनको भी जोड़ा हमने साथ में। आप गोविंद सिंह जी डोटासरा जो उप सचेतक भी हैं, उनको भी हमने इसमें जोड़ा है, अधिकारियों को भी जोड़ा है, माननीय पक्ष विपक्ष के तमाम। इसलिए हम पक्ष और विपक्ष को साथ लेके ईमानदारी से, हमारी स्पष्ट मंशा है कि किसान की बहुबुद्धि के लिए जो भी हो सकता है वो सरकार करने को तैयार है। सबको साथ लेके हम लोग चलना चाहते हैं। किसान के बारे में कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं और न हम लोग कर रहे हैं। कर्ज माफी होगी, किसान तो ये जानना चाहते हैं। देखिए, कर्ज माफी का जहाँ सवाल है कि हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी, कर्नाटका में भी, और अब केरल में भी, हम इन राज्यों का अध्ययन करा रहे हैं। अलग अलग लोग अपनी अलग बात कहते हैं। MS स्वामीनाथन का ये कहना है, जो कृषि के सबसे बड़े ख्यातनाम विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि कर्ज माफी किसी समस्या का समाधान नहीं है। कर्ज मुक्त हिंदुस्तान और कर्ज मुक्त किसानों, ये सरकारों का मुख्य ध्येय होना चाहिए। अब किसान कर्ज मुक्त कैसे होगा, इसके लिए जितना अनुदान, जितनी सब्सिडियां, यहां तक कि जैसे ग्रीन हाउस पोली हाउस कोई लगाता 4000 स्क्वायर गज में, तो 17 लाख रुपए तक का उसको अनुदान देने का काम हमारी सरकार करती है। किसान कलेवा हो चाहे, आप आश्चर्य करेंगे 86 लाख लोगों को अब तक किसान कलेवा के माध्यम से दो, आप जब मंडी में माल बेचने आता तो उसको हम पूरा खाना भी उसको देते, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, किसान हमारा है, हमारा अन्नदाता है, और हम अन्नदाता की रक्षा सुरक्षा ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए कर्ज माफी के सवाल पे स्पष्ट मत है कि 50,000 रुपए तक कर्जा माफ करने के बारे में हमारी एक अध्ययन दल गया हुआ है। अध्ययन दल अलग राज्यों से समीक्षा करेगा और उसके बाद ये सारा विषय जो भी डिसाइड होगा, उस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के स्तर पर इसका हम लोग फैसला करेंगे। इस पर बात जारी रहेगी। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगी श्री प्रभुलाल सैनी के साथ सीधी सट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राज्य के कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी।
श्री जी आप कह रहे थे कि जगह जगह स्टडी हो रही है, उत्तर प्रदेश में की, महाराष्ट्र में की, अब केरल में गए, पक्ष विपक्ष की तमाम लोगों को आपने शामिल किया है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि आप चुनाव के मद्देनज़र इसमें घोषणा में देरी करना चाहते हैं ताकि एक माहौल बनाया जा सके, चुनाव में किसानों के जरिए वोट हासिल किया जा सके, इस तरह की लोक लुभावन घोषणा करके। देखिए, विपक्ष का जिस प्रकार की जो सोच है, ये उनकी अपनी सोच है, इसके बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते ना किसकी क्या सोच है, लेकिन जिनकी जैसी दृष्टि है ना, सारी सृष्टि उनको वैसी नजर आती है। आप देखेंगे कि 70 सालों के इतिहास में कभी भी कांग्रेस ने इस प्रकार की चिंता ही नहीं की कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, कभी किसानों की बात को नहीं सुना, कभी इस प्रकार संगठनों के साथ बैठने का काम नहीं किया। आज वो इस प्रकार की बात कर, कर्ज माफी तो की है कांग्रेस ने, नहीं किया पहले 75,000 करोड़ के कर्जे माफ किए। आप देखिए 2009 में जो विषय आया था और 2009 के बाद 2010 के लगभग भी एक टाइम केंद्र सरकार में इनकी सरकार थी, उसके वक्त में सेंट्रल बैंक आपके जिस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा ने और जो बैंक ऑफ सारी बैंकर्स ने वो बैंक टर्मिनोलॉजी में उन्होंने कहा कि दिस इज कर्जा माफी जो है ना, ये सारा पैसा जो भी आना वो अकाउंट्स में जाना, किसान को नहीं मिलना, ठीक है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि हम लोग किसान को बीज से लेके, बुआई से लेके, सब्सिडी से लेके, ग्रीन हाउस से लेके, पोली हाउस से लेके, नेट हाउस से लेके, मार्केटिंग से लेके, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे वो आपदा राहत हो, हमारी सरकार ने जितना, चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री जी वाली सड़क हो, राजस्थान में हो, आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने हमारे वक्त में 6,100 करोड़ रुपया अब तक आपदा राहत के अंतर्गत किसानों को उनके खाते में सीधा ट्रांसफर करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा राजे ने किया है। यही नहीं, आप देखेंगे कि 4,000 लेकिन कई जगह तो किस्से आए थे कि आपने जो फसलें खराब हुई, जो पैसा मिला कहीं पे 1 रुपया मिला, कहीं 15 रुपये मिले, कहीं 150 रुपये मिले, ये क्या कहानी है? आप जब बीमा कर रहे हैं, देखिए ये राजस्थान का विषय नहीं है, इस प्रकार का जो उत्तर प्रदेश में जो समाचार, राजस्थान में केशवराय पाटन का भी इस तरह के मामले आए थे। जब आप कृषि बीमा कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं, तब इस तरह के अगर उनको पैसे मिलते हैं, देखिए इस बात को बिल्कुल स्पष्ट हमको समझना चाहिए। LIC हमने, आपने, सबने करा रखी, हर साल हम प्रीमियम का पैसा देते, लेकिन हमें कोई कैजुअलिटी नहीं होती तो किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा नहीं मिलता, आज दिन तक नहीं मिला। जहां तक क्रॉप इंश्योरेंस का सवाल है कि हम लोगों ने स्वैच्छिक रूप से भी बीमा करते हैं और कंपल्सरी के रूप में जिन्होंने बैंक का ऋण लिया है, ऐसे किसानों का शो मोटो ही अपने आप बीमा बैंक में हो जाता है। अभी हाल ही की बात करें हम लोग कि 45 दिन के अंतर्गत किसान को अपने बीमा का यदि नुकसान हुआ क्रॉप कटिंग के माध्यम से तो उसको पैसा मिल जाना चाहिए, और ये पैसा उसको 45 दिन में नहीं मिलता तो उस कंपनी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी खरीफ 2016 का जो विषय था, अब तक भी किसानों के लगभग 6 जिलों में, 20 तहसीलों में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो भारत सरकार की है और ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उसके द्वारा भुगतान नहीं किया तो हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की कि किसान को समय पे पैसा मिले। और अभी हाल ही में 56 करोड़ रुपए के लगभग AIC का जो पैसा था वो हमें अभी हाल में मिला है। 270 करोड़ रुपए के लगभग अभी तक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया, भारत सरकार को हम लोगों ने लिखा है कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और 18% प्रीमियम के साथ, ब्याज के साथ में किसान को पैसा मिलना चाहिए। इसके बारे में अभी एक अपील की थी कंपनी ने भारत सरकार को और भारत सरकार ने उसका फैसला कर दिया कि इमेजेट कंपनी उन किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर करे जिनका क्लेम बनता था, अब तक कंपनी ने नहीं दिया। तो हमारी सरकार ये जब आप नहीं करवा पा रहे हैं इतने एफर्ट्स के बावजूद, तो किसान कैसे करेगा फिर? देखिए किसान को कुछ नहीं करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बीमा जो ही हो गया समय पर उसको बीमा का पैसा मिले। लेकिन ये तो मजाक है कि किसी को 15 रुपये मिले, किसी को 5 रुपये मिले, तो किसान समझे क्या इसको? क्योंकि आप जब परंपरागत में उसको नहीं दे पा रहे तो ये जो नई तकनीक है, आपने नहीं 100, 200, 1,000, 500 रुपये मिले, उसका यही कारण है कि जिस क्षेत्र में क्रॉप कटिंग में नुकसान मान लो 10% हुआ तो 10% मिलेगा, यदि 20% हुआ 20% मिलेगा, यदि 60% हुआ तो उसको 60% मिलेगा। इसलिए ये समझने की बात है, सरकार की हमेशा मंशा रही है
कि किसान के खाते में। अब जहाँ तक आप पुरानी खेती की बात करते हैं, ये जो किनोवा, देखिए हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है कि ओलिव ग्रीन टी के बारे में 1,00,000 प्लांट लो हम लोग इसराइल से लेके आए। इसराइल से लाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने उसका 2007 में पौधारोपण किया, इंडिया में पहला राजस्थान था। उसके बाद आप कल्पना करेंगे कि 1,00,000 प्लांट हमारे राजस्थान की धरती पे इसराइल का पवित्र पौधा, जिसको वास्तुसार की दृष्टि से और हार्ट की दृष्टि से सरताज मानते हैं, हम लोगों ने इसमें रिसर्च करके विश्व में पहली बार उसकी ग्रीन टी बनाई। और ग्रीन टी बनाने के बाद आज पूरे विश्व में एंटी कैंसर के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने विद्यासागर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से भी केमिकल और इसमें रिसर्च जो हुआ है ओलिव के फ्रूट्स का, उसके जेल का, तो पूरे विश्व में पहली बार ऐसा लगा कि कैंसर की दवा अब जैतून के उससे बनेगी। ये एक बहुत बड़ी राजस्थान के लिए एमर्जिंग बात। अच्छा, ये जो दूसरी खेती है ड्रैगन, देखिए किनवा जो सबसे बड़ा, जो किनवा की एक सुपर फास्ट फूड है हमारा, इस सुपर फूड का डायबिटिक फ्रेंडली है। यदि हम मार्केट में जाके देखते हैं तो लगभग 1,00,000 रुपए क्विंटल के लगभग वो मिलता है। अब 1,00,000 रुपए क्विंटल के क्रॉप को इंट्रोड्यूस करके पेरू जो हमारे साउथ अमेरिका में है, उस पेरू इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोर्टर है। वहां से हम लोगों ने बीज सीड कबाड़ के राजस्थान में लेके आए, और राजस्थान में हम लोगों ने चित्तौड़ में भी, जालौर में भी, भीलवाड़ा में, टोंक में, कोटा में उसकी खेती शुरुआत की। 30,000 मेट्रिक टन के लगभग हमारा प्रोडक्शन हुआ। अभी हम लोगों ने 6,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के माध्यम से प्रोक्योरमेंट हमने किया, क्योंकि इंडिया में अभी इसका फूड हैबिट नहीं है। इसमें इतनी बड़ी मात्रा में कैल्शियम मिलता है, इतनी बड़ी मात्रा में इसमें विटामिन प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, तो अब इसका जो 70 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं इसका कर रहे हैं। ड्रमस्टिक के बारे में भी हम लोगों ने इसकी खेती की शुरुआत की है। 300 प्रकार की बीमारियों को रोकथाम करने के लिए होगा, 500 रुपए का 100 ग्राम पाउडर ड्रमस्टिक का सीजना का मिलता है। तो हम लोग किसान के खेत में उसको उगाकर दुगनी आमदनी करने का, मैं समझता हूँ कि ये नई खेती जो है पैदा तो वो कर लेंगे, बाजार मिलेगा उनको। देखिए उनका एमओयू हमारा हो चुका है, उदयपुर का जो ग्लोबल एग्रीटेक में किनवा खरीदने का भी एमओयू हो चुका है, 10,000 रुपए क्विंटल में वो खरीदेगा। एक आखिरी सवाल, आप आश्वस्त हैं कि सचमुच में दुगनी हो जाएगी आय किसान की? बहुत कम शब्दों में देखिए, मैं मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि किसान की आमदनी को दुगना करने में राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारी पूरी सरकार लगी हुई है। किसानों ने यदि डाइवर्ट समय समय पर किया है तो निश्चित रूप से हम दुगनी नहीं तिगनी राजस्थान के उन किसानों की जो हमारे नवाचार को एडॉप्ट करेंगे, हम लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का विजन को पूरा करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना, आप सफल हों उसके लिए। तो ये थे राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिनके साथ जारी थी सीधी सट। अगले सप्ताह सीधी सट में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए ईटीवी राजस्थान।